सीट शामिल है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटें खाली हुई, जिसके बाद तीन निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय देहरा हॉट सीट बनी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह को मुख्यमंत्री की पत्नी के मुकाबले प्रत्याशी बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिमला से राजेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या माहौल है कल के चुनाव को लेकर? बिल्कुल, चुनावों को लेकर माहौल गर्म है और जैसा कि उम्मीद भी थी, अंतिम दिन तक, अंतिम क्षणों तक जो चुनावों का शोर है वो जारी है। और आज ताज़ा वीडियो आज आया है जिसमें होशियार सिंह, जो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं दो बार, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं स्टेट पुलिस के माध्यम से। स्टेट पुलिस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा गया है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से उनकी तरफ से, होशियार सिंह की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री पुलिस के माध्यम से उनकी जासूसी करवा रहे हैं। जहां वो जा रहे हैं वहां पीछे से पुलिसकर्मी उनको फॉलो कर रहे हैं। और एक ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं वो भी मैदान में उतर गए हैं। उनकी तरफ से सरकार के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। और सीधे टारगेट के ऊपर अगर भाजपा की तरफ से कोई है तो वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह है। इसके हालांकि इस पूरे वीडियो के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के बयान के ऊपर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया है और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है ये मतदान के तारीख के नज़दीक होते हुए मनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाया जाए। तो दावे और वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरह से चुनावों को जीता जाए। लेकिन इस बार का जो चुनावी प्रचार है वो ज़रूर दिलचस्प है। तीनों सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार इतने कम अंतराल में उपचुनाव हो रहे हैं। और तीन सीटों के ऊपर जहाँ निर्दलीयों की तरफ से इस्तीफा दिया गया है वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इन चुनावों में अगर एक और खास बात हम कहें तो प्रत्याशियों के नाम के की जगह पर जो सीधा मुकाबला और जो सीधा चुनावी आक्रमण किए जा रहे हैं, चुनावी तंज कसे जा रहे हैं, वो बड़े नेताओं के ऊपर कसे जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा अटैक कर रही है, प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं कि हालात ऐसे बना दिए गए, सिचुएशन ऐसी बना दी गई कि निर्दलीय विधायकों को भी रिजाइन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की 6 विधायकों को तो जरूर अपनी सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ा, लेकिन देहरा सीट देहरा सीट बेहद खास है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। तो देहरा की हवा का रुख किधर होता दिखाई दे रहा है राजेंद्र? बिल्कुल, देहरा जरूर कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली ये कि देहरा वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से दूसरी बार निर्दलीय के तौर पर होशियार सिंह जीते हैं। और हिमाचल के इतिहास पे, अगर चुनावी इतिहास पे नज़र डालें तो ऐसा बहुत ही कम है, रेस्ट ऑफ रेयर ऐसा है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतता है विधानसभा का। दूसरा, जब वहाँ से होशियार सिंह का जो विधानसभा की तरफ से इस्तीफा स्वीकार किया गया और चुनावी मैदान में उतरे तो फिर मुख्यमंत्री की तरफ से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया। और जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन इस उपचुनाव का रहा वो अब देहरा के ऊपर रहा। हमने देखा कि मुख्यमंत्री लगातार, अब अगर हम कहें तो इन पूरे इलेक्शन कैंपेन में 90% जो उनका समय था वो देहरा में बीता, देहरा के लोगों के बीच में जीता। इसके अलावा जो दावे किए गए, कमलेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है उनकी तरफ से जो दावे किए गए वो बड़े दावे थे और कई वादे भी किए गए हैं देहरा की जनता के साथ, तो वो भी एक एंगल इस बार देखने वाला है। और भाजपा की तरफ से भी जो अपनी पूरी ताकत थी वो देहरा में झोंकी गई, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल थे, या फिर पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, उनका संसदीय क्षेत्र भी वो है। तो तीनों
बड़े नेता वहां पर रहे और इसके अलावा जो पूरे इलेक्शन कैंपेन की धार संभाली थी वो विपिन सिंह परमार ने संभाली थी, जो वहां कांगड़ा के बड़े नेता हैं। तो दिग्गजों का जमावड़ा, हिमाचल प्रदेश के दिग्गजों का जमावड़ा देहरा में लगा रहा, इन तीनों उपचुनावों के ऊपर लगा रहा और प्रत्याशियों की चर्चा से अधिक चर्चा रही प्रदेश के नेताओं की, चाहे वो भाजपा के थे चाहे वो कांग्रेस के थे। तो दोनों तरफ से ताकत पूरी लगाई गई। ठीक है राजेंद्र, अभी आपके पास वापस आते हैं उससे